नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ 3 मिनट में फिक्सा एलईडी का कनेक्शन कैसे करते हैं और इसे जलाते कैसे हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फिक्सा एलईडी कनेक्शन कुछ ईजी बता दो, तो हम लगाते नहीं इसको कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिक्सा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं कि हमने ये पट्टा बनाया है पैनल कनेक्शन में, और अब इससे आपका इजी कनेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको 3 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं लेगा, आपका 3 मिनट में कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये फिक्सर पट्टा हमसे मंगा सकते हैं, हम इसको रेडीमेड करके देंगे आपको प्योर कॉपर में, और इसे हम बताएंगे कनेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको यह बनाना सीखना, तो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाउ टू पैरेलल कनेक्शन, तो कनेक्शन वही है आपका, ओनली हमने इसमें लगाया है और आपको इसमें कनेक्ट करके बताऊंगा। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी कनेक्शन करने में, तो हमने कनेक्शन इजी कर दिया, फैला लिया है। आप लोग देख रहे हैं कि हमने इसको पूरा फैला लिया है, और हमने इस पे 12 इंच की गैपिंग दी। आप चाहें तो ऑर्डर दे के इस पे 12, 10, 9 जितना आपको कस्टमाइज कराना है आप उतना करा सकते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो अपना झाला का कनेक्टर होता है इस कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है, आपका कनेक्शन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये कनेक्टर है और इससे हम लगा देंगे, हमने ये लगा दिया। लोग देख रहे हैं कि हमने इसको जोड़ दिया है, सिर्फ कनेक्ट किया है, हमको सिर्फ 2 मिनट नहीं लगे इसमें जोड़ने को, और हमने इसको जोड़ दिया है। अब इसको बताएंगे आपको कि इसका पावर सप्लाई कैसे जोड़ते हैं और कंट्रोलर में कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, और इसमें हम बताएंगे डिजाइन भी 1 नंबर चलेगी आपकी। और अगर आप दीपावली को घर पर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप रोड सीलिंग में इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप शादी विवाह में भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोग 70 एम्पीयर की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वाटर प्रूफ। अगर आप चाहें तो ये हमसे ले सकते हैं, और T1000 कंट्रोलर भी हमसे आप ले सकते हैं, T1000 कंट्रोलर भी हमसे ले सकते हैं। और आपको अगर किसी चीज़ का प्रूफ हम चाहिए, तो आप हर प्रकार का प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे कस्टमाइज करा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये पट्टा बनाया था, इसमें हमने 3 वायर निकाली थी, एक पावर सप्लाई की, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक हमारा ग्रीन कलर का हमारा हो गया डाटा, और रेड कलर का पॉजिटिव और ब्लैक कलर का नेगेटिव। और आप लोग देख रहे हैं हम 70 एम्पीयर की यूज कर रहे हैं सप्लाई। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इस साइड देते हैं 2 प्लस के, इस साइड माइनस के, तो आपको जो हमारा कंट्रोलर है इसमें से एक प्लस और माइनस निकालना है, और यहाँ से एक माइनस प्लस यहाँ पर लगा देना है। और हमारे कंट्रोलर में LN होता है, वहाँ पर आपको ये मेन लाइन निकालना है। इसमें AC इनपुट करोगे तो ये DC आउटपुट निकालेगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं V माइनस लिखा होगा तो वहाँ पर नेगेटिव जोड़ना है आपको, और V प्लस लिखा होगा वहाँ पर पॉजिटिव जोड़ना है। थोड़ी रात हो चुकी है इसलिए मैं आपको क्लियरिटी नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आपको कनेक्शन का वीडियो देखना है तो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहाँ मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि पावर सप्लाई और कंट्रोलर कनेक्शन कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी है। और आपको कंट्रोलर से V5 लिखा है वहाँ से पॉजिटिव निकालना है, और GND लिखा है वहाँ से नेगेटिव निकालना है। इसका इसमें जोड़ देना है और इसका इसमें जोड़ देना है, आपका सेटअप जलने लगेगा। और ये सेटअप हमारा एक बंदे का बन रहा है, जो उसको फिक्सल LED डेकोरेशन के लिए दिवाली को लगाना है। और अगर आप चाहें तो हमसे ये सेटअप बनवा सकते हैं, और आप कोई सा भी सेटअप कस्टमाइज करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये झालर भी हमसे ले सकते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी डिजाइन, और इस डिजाइन में आपको बताएंगे कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन निकल रही है इसमें। और वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब।